फेंग शुई के बारे में आप जानते होंगे या तो कहीं जरूर सुने होंगे। आज हम इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। चीनी ग्रंथों वह चीनी की मान्यता अनुसार सबसे पहले एक अकल्पनीय और अविश्वसनीय रूप से विकृत आकार के रूप में बड़ा सा अंडा था, जिनके विखंडन से एक बड़े आकार के पी ऑन कू का उत्पत्ति हुआ। जब पी ऑन कू अंडे से बाहर आए तो अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस सकारात्मक प्रकाश की रोशनी से घनघोर अंधकार प्राप्त हो गया। पी ऑन कू की उत्पत्ति से जो कुछ सभी साफ और चमकदार था वह आकाश की ओर चला गया, और जो भारी भरकर और हल्के पीले रंग का मटमैले से था वह पृथ्वी पर जा गिरा। इसलिए पी ऑन कू भयभीत घबराया डरा हुआ था कि कहीं ऊपर का प्रकाश वह चमकीला कहीं नीचे के अंधकार पर गिर ना पड़े। इसलिए डर की वजह से पी ऑन कू अपने दोनों हाथों से हजारों वर्ष तक उस प्रकाश को रोके रखे। उन्होंने इसलिए उस ऊर्जा को रोके रखा कि जब तक वह पूरी तरह से स्थिर होकर नीचे गिर नहीं गया। पी ऑन कू ने अपने आप को पूरी तरह से इस संसार को समर्पित कर दिया और अपनी अंतिम सांस तक वह इस दुनिया का भरा सोचते रहे। इसलिए उनकी अंतिम सांस ने हवा और बादल का आकार लिया। उनकी वाई आँख सूर्य और दाई आँख चंद्रमा बनी। उनकी आवाज़ गजना बनी। उनके हाथ पैर और धड़कन ने पहाड़ और मैदान का रूप लिया। रक्त से झील और नदी बनी। उनकी मांसपेशियों से मिट्टी, स्नायु से सड़कें, बाल और दाढ़ी से तारे और बाल और त्वचा के घास, वृक्ष और फूल बने। उनकी हड्डियां से दांत और उनकी मज्जा से कठोर पत्थर, मूंगा व खनिज में परिवर्तन हुए। इस तरह से पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति हुई। इन चीनी ग्रंथों में यही उल्लेख है। विशेष तौर पर फेंग शुई का शब्दिक व सरल अर्थ हवा और पानी है। इसलिए फेंग शुई हवा और पानी प्राकृतिक पेड़ पौधे और हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है। हमारे शरीर व जीवन शक्ति और पृथ्वी का मूल संचार जल के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार आकाश में उपस्थित सूक्ष्म ऊर्जा का संचार हवा द्वारा ही होता है। अच्छी वायु स्वास्थ्य ऊर्जा को लाती है और खराब प्रकार की ऊर्जा को वापस ले जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे जीवन का आशी तत्व दो प्रकार की ऊर्जाओं के स्रोतों पर निर्भर है। सबसे पहले पृथ्वी से प्राप्त पोषण ऊर्जा क्रियाशील खाद्य पदार्थ के रूप में, और दूसरा सूर्य किरणों व ऑक्सीजन के रूप में, वह आकाश के प्राप्त ब्रह्मांड ऊर्जा के द्वारा। संक्षेप में ऐसा कहा जाता है कि ऊर्जा की प्रसन्नता, स्वास्थ्य और समृद्धि जीवन के इनका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इनको समझना ही वास्तविक फेंग शुई की अवधारणा है। 5000 वर्ष पुराने फेंग शुई ने मुख्य रूप से चीनी और जापानी संस्कृति और उनके चमत्कारी विस्तार में मुख्य भूमिका निभाई है, और अब जिनको पूरी दुनिया अपना रही है, इसलिए फेंग शुई अपने प्रभावकारी परिणाम के द्वारा पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इन दुनिया में करोड़ों लोग ने मात्र थोड़े से परिवर्तन के द्वारा ही बहुत लाभकारी परिणाम प्राप्त किए हैं। इसी क्रम में आप भी थोड़े से बदलाव, जैसे पर्दे, फर्नीचर के विभिन्न रंग, डेस्क, टेबल के आकार में थोड़ा सा, वास्तुओं में थोड़ा सा परिवर्तन करके भी आप विभिन्न प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।